अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आपका फेवरेट गेम शो जिसका नाम है देखो और जीतो, यानी वॉच एंड विन। देखते जाएं, जीतते जाएं, आपके पास जीतने के मौके हैं बहुत सारे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि तीन बहुत ही अहम किस्म के जो है वो सेगमेंट्स होते हैं हमारे, जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि इन सेगमेंट से आपको ढेर कीमती इनामात जीतने का मौका मिलता है। ये मौका आपको दे रहा है कोहिनूर न्यूज़, कोई और चैनल नहीं, क्योंकि कोई और किसी और गेम शो में आपको जाने के लिए पासेस की जरूरत होती है, आपको अप्रोच की जरूरत होती है, लेकिन वाहिद ऐसा गेम शो है पाकिस्तान की तारीख का जिसने आपको घर बैठे मौका दिया है कि आप बहुत सारे शानदार इनामात जीत सकते हैं। ना सिर्फ जीत सकते हैं बल्कि आप अपने दोस्तों को, अपने प्यारों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को, जहां कहीं भी बैठे आप ये गेम शो देख सकते हैं, उनको भी पार्टिसिपेट करने का कह सकते हैं एक मोबाइल फोन पर। आपको करना है क्या, मैं आपको बता देती हूं। आपने जाना है जनाब kohinoor.tv की वेबसाइट पर। आपने देना है वहां 6 हिंसों का नंबर। नंबर कौन सा हो सकता है, कोई भी, आपका कोई भी फेवरेट नंबर। 6 हिंसे आपने कंप्लीट करके एक बकायदा नंबर बनाना है। और अगर आपको समझ नहीं आ रही कि आपने नंबर कौन सा देना है तो फिर ऑप्शनल नंबर्स भी वहां मौजूद होंगे, जो आपने अपनी पसंद से कोई भी एक क्लिक कर देना है, रजिस्टर्ड का बटन दबाना है और ऑटोमेटिकली आप इस गेम शो का हिस्सा बन जाएंगे। जैसे ही आप kohinoor.tv की वेबसाइट पर जाते हैं, आपको खुद ही समझ आना शुरू हो जाता है कि आपसे छोटी मोटी डिटेल्स मांगी जाती हैं और साथ ही नंबर की जो ऑप्शन आती है तो आप कोई भी नंबर जो है उसमें ऐड करके ऑप्शनल का जो है वो नंबर अगर आपके पास है, वहां पर आपके पास समझ नहीं आ रही कौन सा ऐड करूं तो वहां से भी ऐड कर सकते हैं और रजिस्टर्ड का बटन दबा देते हैं। जैसे ही आप रजिस्टर्ड का बटन दबाते हैं आपका डाटा हमारे पास महफूज हो जाता है और उसके बाद हर महीने की 10, 20 और 30 तारीख को होती है कुरानदाजी। जी हाँ, ये कुरानदाजी होती है यहां पर आपके सामने लाइव, एक एक आपको जो है वो कूपन दिखा के अब बॉक्स में ऐड किया जाता है और फिर आपको दिखा के ही निकाला जाता है। इस तरह 6 हिंसे जब मुकम्मल होते हैं तो एक नंबर कंप्लीट हो जाता है। अगर वो नंबर मैच कर गया आपके उस नंबर से जो आपने दिया है kohinoor.tv की वेबसाइट पे, तो यकीन जानिए कि आप आज के विनर हो सकते हैं। जी हाँ, और ऐसा ही अगर आप जो है वो हर महीने की 10, 20 और 30 तारीख को दोपहर 2 बजे लाइव हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं तो हो सकता है कि आपने जो नंबर kohinoor.tv की वेबसाइट पे दे दिया है वो आज निकल आए। और अगर निकल आया तो आपसे ज्यादा लकी इंसान कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये बिल्कुल प्योर साफ शफाफ कुरानदाजी है और इस कुरानदाजी में पार्टिसिपेट करने का तरीका भी इंतहाई आसान है। अच्छा, और भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनको टीवी पे आने का बड़ा शौक होता है, हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे, बड़े, बूढ़े, जिनको कभी भी टीवी पे आने का मौका नहीं मिला। कोहिनूर न्यूज का ये प्रोग्राम, ये गेम शो देखो और जीतो, वॉच एंड विन, दे रहा है आपको ये मौका कि आप अपनी अच्छी सी सेल्फी बनाकर हमें भेज सकते हैं। जी हाँ, सेल्फी बनाने के लिए भी तरीकेकार क्या होगा कि आपको KN के लोगों के साथ सेल्फी बनाकर हमें भेजनी होगी। भेजनी कौन से नंबर पर है, व्हाट्सएप नंबर पूरे प्रोग्राम में आपको फौरी फौरी नजर आ रहा होता है, एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर को अपने पास सेव कर लीजिए वॉच एंड विन देखो जीतो के नाम से। और उसके बाद आपने इस पर मैसेज करना है, अपनी तस्वीर भेजनी है हमें, यानी कि अपनी सेल्फी भेजनी है अपने और अपने शहर के नाम के साथ। कॉल नहीं करनी है क्योंकि हम आपकी कॉल पिक नहीं करेंगे। इसके अलावा जो हमारा दूसरा सेगमेंट होता है वो जनाब बड़ा ही शानदार होता है, उसमें ज़हीन लोगों का इम्तिहान होता है। कहते हैं ना कि बहुत ज़हीन हैं हम, लेकिन ज़हानत का पता तब चलता है जब आपको तमाम चीजों के हवाले से नॉलेज होता है, यानी कि आपको जनरल नॉलेज में भी कमांड होता है और आपको किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप फौरी इसका फर जवाब दे देते हैं। इसमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो सवाल आ जाते हैं, इसमें जो है वो आपके पास हर क्राइटेरिया से, मतलब पूरी दुनिया से भी और पाकिस्तान की भी जो है वो ज्योग्राफिकल सिचुएशन से, इस्लामिक से, हर तरह से जो है वो हम आपसे क्वेश्चंस करते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है और वो क्वेश्चन का आंसर आपने लाइव देना होता है, यानी कि अभी इसी वक्त जब ये सेगमेंट शुरू होगा तब। उसके बाद क्या करना होता है कि 30 सेकंड्स होते हैं, 30 सेकंड्स को आपने सामने रखते हुए खेलना है, यानी कि ये गेम है और आपने इसको 30 सेकंड रखते हुए सामने खेलना है। 30 सेकंड जैसे ही खत्म हो जाते हैं आपके जवाब देने का टाइम भी खत्म हो जाता है और उसके बाद फिर आपके जवाब हम नहीं लेते। लेकिन इसमें ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि 4 ऑप्शंस हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि A, B, C या D। तुक्का भी लगाएंगे तो हो सकता है कभी कभी तुक्का भी काम आ जाता है, क्योंकि पाकिस्तानियों के तुक्के बहुत चलते हैं ना, इस वजह से। तो आपने जो है वो तुक्का सिस्टम भी अगर लगाना है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं।
आपके ऊपर है कि आप कैसे खेलना चाहते हैं। उसके बाद जनाब ये जब क्वेश्चन आंसर राउंड खत्म हो जाता है तो तीसरा और आखिरी राउंड हमारा होता है कुरानदाजी का राउंड, वही जो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि अगर आप कोहिनूर.tv की वेबसाइट पे जाएंगे, 600 का नंबर बताएंगे तो आज कुरानदाजी में आप बहुत बड़े शानदार प्राइजेस भी जीत सकते हैं। देर किस बात की है, हम जनाब खेलेंगे जबरदस्त तरीके से। सबसे पहले तो हमारा पहला सेगमेंट शुरू होता है जिसका नाम है सेल्फी सेगमेंट। जी हाँ, जो मैंने आपको बताया कि लोगों को बड़ा शौक होता है और बच्चे बहुत पार्टिसिपेट करते हैं हमारे इस जो है वो सेगमेंट में, तो आज देखते हैं कौन कौन से बच्चे कहाँ कहाँ से और बड़े जो है वो हमें KN के लोगों के साथ, हमारा जो लोगो है कोहिनूर न्यूज का उसके साथ हमें पिक्चर बना के भेजी है। किस किसने भेजी है दिखाएं जी। आज की ये देखें जी, बच्चे जो है वो KN के लोगों के साथ पिक्चर बनाकर हमें भेज रहे हैं और ये हमारी स्क्रीन के साथ पिक्चर है, जबरदस्त। और बच्चे जो है वो बड़े भी पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, बच्चे भी करते हैं, आप भी कर सकते हैं अगर आप जो है वो बड़ा त्याशार हो के जो है वो टीवी तो सभी देखते हैं, तो अगर आप जो है वो KN लगाते हैं, KN न्यूज लगाते हैं और उसका लोगो प्रोमिनेंट करके आप हमें सेल्फी बनाकर भेजते हैं तो फिर आप जीत सकते हैं यहाँ से अच्छा सा बड़ा सा शानदार सा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का इनाम। जी हाँ, आज के महंगाई के दौर में भाई इनाम फ्री में बट रहा हो तो बंदा वैसे ही पार्टिसिपेट कर लेता है। तो ये देखिए जनाब, ये हमने जो है वो बकायदा तौर पर आपको आज की सेल्फीज जो है वो दिखाई हैं और बताई भी हैं, ठीक हो गया ना। तो जनाब क्या है, ये है कि ये तो हमारी सेल्फीज हो गई कंप्लीट आज की, लेकिन अब इसमें से देखेंगे हम कौन सी सेल्फी अच्छी है, आपको आपका इनाम मिल जाएगा। सेल्फी बनाते हुए सबसे ज्यादा ध्यान ये होना चाहिए कि आप जिस जगह है वहां पे लाइट बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल लाइट में आप सेल्फी बना सकते हैं क्योंकि आपके कैमरे की और पीछे जो आपका टीवी चल रहा है उसकी लाइट भी इफेक्ट करती है। तो KN का लोगो प्रोमिनेंट होगा आपकी शक्ल के साथ, तभी आपको इनाम मिलेगा। तो चलें जी, ट्राई करें आप KN के लोगों के साथ जरा सारे सेल्फियां बनाने शुरू कर दें और अभी भी बनाएं और उसके बाद जो है वो अगली तारीख तक भी आप बना सकते हैं ना, 10 तारीख तक भी, तो वो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आज 30 तारीख है महीने की, महीने का जब एंड होता है तो जाहिर बात है कि सारे काम जो है वो आपने वाइंड अप करने होते हैं और नए महीने का स्टार्ट से आपने नए काम जो है वो शुरू करने होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी प्लानिंग्स करते हैं कि यार नया महीना शुरू हो रहा है तो इसमें मैंने ये गोल्स रखने हैं। लोग 5 साल के गोल रखते हैं, जो कामयाब तरीन लोग होते हैं उनके 5 साल के गोल होते हैं और उन्होंने पहले अपने महीने से स्टार्ट लिया होता है और 5 साल में उन्होंने जो चीजें अचीव करनी होती हैं उसकी तमाम चीजें अपने पास लिखी होती हैं। आप आज के दौर में क्या हो गया है कि हमारे पास कंप्यूटर आ गया है, हमारे पास लैपटॉप्स हैं, हमारे पास मोबाइल फोन है, हम उसमें जो है वो उस चीज को सेव कर लेते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन डायरी लिखना अभी भी बहुत अच्छी आदत है, अगर आप अपनी डायरी के एक वर्क पे अपने 5 साल की चीजें लिखें तो आप 5 साल बाद एक बेहतरीन शख्सियत और कामयाब तरीन इंसान बन सकते हैं। ये मैं आपको एज अ साइकोलॉजिस्ट जो है वो मशवरा दे रही हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि कामयाब और अमीर तरीन बंदे बने, यानी आपको पैसा चाहिए, तो फिर 5 साल के गोल रखें। 5 साल में भी अगर वो अचीव ना कर पाए तो अगले 5 साल के गोल रखें। इस तरीके से जो है वो 10 साल जो आपकी जिंदगी के होंगे, अगर आपने उसमें कुछ भी कमा लिया, वो इज्जत है, वो शोहरत है, वो दौलत है, तो आप कामयाब तरीन इंसान है। तो जनाब इसी के साथ हमारा पहला सेगमेंट तो खत्म हो गया, सेल्फी सेगमेंट। अब हम दूसरे सेगमेंट की तरफ जो है वो चलेंगे और दूसरा सेगमेंट हमारा बड़ा ही शानदार होता है, ये मेरा बड़ा फेवरेट है क्योंकि ये जहीन लोगों का सेगमेंट है ना, इसमें जहानत का इम्तिहान होता है। जहीन लोगों को हम पार्टिसिपेट करने की दावत देते हैं, इसमें स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, प्रोफेसर भी हो सकते हैं, काबिल तरीन लोग भी हो सकते हैं और बेकार तरीन लोग भी हो सकते हैं जिनको कोई काम नहीं हो, टीवी देखते रहते हैं सारा दिन, वो भी बड़े, उनकी भी बड़ी क्रिएटिविटी भाई होती है, वो काम करने की कैपेसिटी होती है अपने दिमाग को लड़ाने की कि वो ज्यादा टीवी देख देख के जो इंटेलिजेंट हो जाते हैं, देख देख के सीख सीख के। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे टेलीविजन पे कोई प्रोग्राम्स ऐसे नहीं आते कि जो आपको सिखाएं या बताएं या जहां से आपको जो है वो आपकी जहानत के बाद इनाम भी दिया जाए। तो हमारे कोहिनूर न्यूज ने ये प्लान किया कि हम ऐसा गेम शो आपके लिए प्रेजेंट करेंगे, एक ऐसा गेम शो प्लान करेंगे जहां से आपको इनाम भी दिया जाए और आपकी जहानत का इम्तिहान भी लिया जाए और आपको बहुत सारी ऐसी बातें जो आपको तारीख बताती है लेकिन हमें नहीं पता होती तो वो भी आपको सीखने को मिले। तो जनाब अपना जो है वो दूसरा सेगमेंट स्टार्ट करते हैं, देखो और जीतो का सवालात के जवाबात का सेगमेंट। इसमें आप लाइव पार्टिसिपेट करेंगे, जरा एक्टिव होकर बैठ जाए टीवी स्क्रीन के सामने क्योंकि आपने वो नंबर सेव जो किया है, हमारा व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, आपने इस पर ही अपना और अपने शहर का नाम और सिर्फ आपने जो ऑप्शन आएगी वो लिख के भेजनी है जो आपको लगता है ठीक है। 4 ऑप्शन होगी, सवाल एक होगा, ठीक है जी। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी आएगा और साथ ही मैं भी आपको बताऊंगी जी। रेडी हैं हम जी,
ओके, क्वेश्चन करते हैं जी। अल्लाह की तलवार किस सहाबी का लकब था? ऑप्शन ए हजरत तलहा का, ऑप्शन बी हजरत खालिद बिन वलीद का, ऑप्शन सी हजरत हमजा का, या ऑप्शन डी हजरत जुबैर बिन अवाम का। अल्लाह की तलवार किस सहाबी का लकब था? आपने बताना है कि ए बी सी या डी। अब इसका दुरुस्त जवाब जो है वो आपने देना है, और टाइम जो है वो शुरू हो चुका है, आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, 30 सेकंड्स आपके पास हैं। आपने ये 30 सेकंड्स जो है वो यूटिलाइज करने हैं, और फिर फौरी फौरी जो है वो आपने जवाब देना है। जिनके जवाब 30 सेकंड खत्म होने से पहले पहले मिल गए बस वही हम जवाब कंसिडर करेंगे, उसके बाद नहीं। तो जल्दी फटाफट 8 7 6 5 4 3 2 1 टाइम इज अप। ये हमारा टाइम इस वक्त खत्म हो गया है पहला सवाल, और पहले सवाल का जवाब है जी दुरुस्त, ऑप्शन है हमारे पास बी हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो। ये है जी ऑप्शन बी सही जवाब, कि अल्लाह की तलवार हजरत खालिद बिन वलीद को कहा जाता है। तो ये सहाबी का लकब जो बहुत सारे लोगों को पता भी था, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जिनको नहीं भी पता होगा, तो चले आज पता चल गया। इसलिए मैं कहती हूँ कि ये जो हमारा सेगमेंट होता है ना, इसको गौर से देखने की भी जरूरत होती है, क्योंकि इससे नेक्स्ट सेगमेंट जो है वो ग्रैंड सेगमेंट है, उसमें तो आपने प्राइज जीतने हैं ना, लेकिन ये जो सेगमेंट है यहां से आपने सीखना भी है। तो ये हो गया जी सही जवाब ऑप्शन बी। अब देखते हैं कि ये सही जवाब हमें पाकिस्तान के किस शहर से किसने दिया है, कौन सी शख्सियत है हमारे साथ। तो बताएंगे हमारे कौन है जी, साजिद हैं आजाद कश्मीर से। बहुत बहुत मुबारक हो साजिद साहब आपको, आपने यहां से शानदार इनाम जीता है और आपने सही जवाब दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ, सवाल नंबर दो। हाँ जी, अच्छा ऐसे सारे सवाल जो है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, क्योंकि आपको पता है कि मुहर्रम का महीना है, 10 मुहर्रम गुजर चुका है और आज 11वां मुहर्रम भी है, तो हम इस हवाले से भी जो है वो आपसे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही सवाल कर रहे हैं। गारे हिरा किस पहाड़ में मौजूद है? बहुत आसान सवाल। ऑप्शन ए जबले अनवर, ऑप्शन बी जबले अहद, ऑप्शन सी जबले अराफात, ऑप्शन डी जबले सौर। किस गार में, ये गार के ये किस जो है वो जबले नूर में है, जबले अहद में है, जबले अराफात में है, या जबले सौर में है? ए बी सी या डी, ये गारों के नाम है, गार पहाड़ के नाम है सॉरी, ये किस पहाड़ में मौजूद है? जबल पहाड़ को कहते हैं जी। चले जी, तो गार किस पहाड़ में मौजूद है बताइए, गारे हिरा किस पहाड़ में मौजूद है? यह है सवाल नंबर दो हमारा, और देखते हैं कि इसका जवाब जो है वो हमें कहां से आता है। काउंट डाउन शुरू हो चुका है आपके पास, और ये काउंट डाउन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 30 सेकंड से आपके पास, इससे ज्यादा हम आपको टाइम जो है वो नहीं दे सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 30 सेकंड से ज्यादा टाइम रखे, लेकिन नहीं रख सकते। उसकी वजह ये है कि ये आपकी जहानत का इम्तिहान है, और इनाम ऐसे नहीं जीता जाता। ये लाइव आप जो है वो इस वक्त इनाम जीत सकते हैं, अपना और अपने शहर का नाम, और साथ में सिर्फ ऑप्शन लिख के भेज दें कि ए बी सी या डी क्या सही है जवाब। तो जनाब इसी तरीके से जो है वो हमारे पास, जैसे ही हमारे टाइम खत्म होता है, आपके पास जवाब देने का सिलसिला भी खत्म हो जाता है। आप उसके बाद अगर जवाब देंगे भी तो उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो जी खत्म हो गया हमारे पास काउंटडाउन। ओके जी, खत्म हो चुका है, और इसमें जो है वो हमारे पास जो सही जवाब है वो है जबले नूर, ऑप्शन ए सही जवाब है। देखते हैं ये जवाब सही किसने कहां से दिया है, कौन से पाकिस्तान के शहर से ये जवाब हमारे पास आया है, क्योंकि हमें इसमें टाइमिंग भी देखना होता है कि किसने पहले जवाब दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो जवाब आ रहे होते हैं, उसमें से हमें देखना होता है कि किसने पहले जवाब दिया है। वजीराबाद से आया है दूसरे सवाल का सही जवाब, काशिफ साहब हैं वजीराबाद से। बहुत बहुत मुबारक हो काशिफ आपको कि आपने वजीराबाद से सही जवाब दे के जीता है, बहुत ही अच्छा सा एक इनाम जो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। दो सवाल कंप्लीट हो गए हैं, तीसरा सवाल ये भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्लामिक हिस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए बहुत ही अहम सवाल है, और मुझे उम्मीद है कि इसका जवाब सबको आता होगा, जिसको नहीं आता होगा वो आज सीख भी लेगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को अहमद नाम से किस सूरत में पुकारा गया? ऑप्शन ए सूरह मुजम्मिल, ऑप्शन बी सूरह यासीन, ऑप्शन सी सूरह अलसफ, ऑप्शन डी सूरह मोहम्मद। कौन सी सूरत है जिसमें
नबी आखिर जमा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालेही वसल्लम को अहमद पुकारा गया है। तो ये आपने जो है वो इसका जवाब हमें देना है। काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, आप जो है वो देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, 30 सेकंड्स हैं आपके पास। जल्दी जल्दी इसका सही जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए। इसी ऑप्शन में है जो ऑप्शंस आपको दी गई हैं, ए बी सी या डी, कौन सी ऑप्शन है सही जवाब। मैं इसका आपको हिंट भी नहीं दे सकती, आपको बता भी नहीं सकती, वरना मैं ज़रूर आपकी मदद करती, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जहीन लोगों के इम्तिहान के लिए खड़ी हूं कि देखते हैं कि कौन जीतता है आज यहां से शानदार इनाम। और ये हमारे पास काउंटडाउन खत्म हो चुका है, अभी हम इसका जवाब आपको बता देते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सूरह अलसफ में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है वो अहमद जो है पुकारा गया है। तो ये आपको पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन प्यारे नामों से पुकारा गया वो कुरान पाक में मौजूद हैं, और बकायदा तौर पे उनका ज़िक्र भी मौजूद है। और जिस तरीके से मोहम्मद है, अहमद है, ये वो मुजम्मिल है, ये वो नाम है जिनको बकायदा तौर पे सूरत इन पे नाजिल हुई है। और सूरह अलसफ ऐसी सूरत है जिसमें अहमद नाम जो है उससे पुकारा गया है आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जी किसने दिया इसका सही जवाब? आयशा ने दिया है सखर से सही जवाब। आयशा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खवातीन जब भी सही जवाब देती मुझे बड़ी खुशी होती है कि लड़कियां भी लड़कों से पीछे नहीं है, और बकायदा तौर पर जो है वो अच्छे तरीके से जहीन हमारी लड़कियां जो है, वैसे भी कहते हैं कि लड़कों से ज्यादा लड़कियां ज्यादा जहीन होती हैं, लेकिन चलें कोई बात नहीं, ऐसी लड़की नाराज ना हो जाए कि सारे जी हमें आप खुद जो है वो और लड़कियों को जहीन कह रही हैं, तो चले कोई बात नहीं, हम आपको सबको जहीन कहते हैं। और जो है वो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने यहां से इनाम भी जीत लिए हैं। दो अहम राउंड्स खत्म हो चुके हैं, तीसरा और जबरदस्त राउंड अभी भी बाकी है। वो कौन सा राउंड है उससे पहले आपको बता दूं कि जिन्होंने अभी अभी ट्यून किया है अपना टेलीविजन, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज का ग्रैंड शो जिसका नाम है देखो और जीतो। जी हाँ, यहां पर आप देखते जाएंगे तो जीतने के मौके आपके पास ज्यादा से ज्यादा होते जाएंगे, और आपको पता चलेगा कि आपने यहां से इनामात कैसे जीतने हैं। तो मैं बताती हूँ, kohinoor.tv एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको मौका दे रही है कि अगर आप kohinoor.tv की वेबसाइट पे जा रहे हैं तो फिर आपको 6 हिंसों का नंबर बताने के बाद, आपको यहां रजिस्टर्ड का बटन दबाने के बाद ये गेम शो मौका देगा कि अगर आज कुरानदाजी में आपका नंबर निकल आता है, आपके वो 6 हिंसों का नंबर जो आप हमारी वेबसाइट पे बता चुके हैं, तो यकीन जानिए कि आपकी सोच में भी नहीं होगा इतना बड़ा शानदार इनाम आपका निकल सकता है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ना कोई पैसा खर्च करना है, ना कहीं जाना है पेट्रोल खर्च करना है, ना किसी की मिनते करनी है पासेस लेने के लिए, ना किसी को जो है वो ब्लाइज करने के लिए कुछ कहना है, सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठ के, KN न्यूज की स्क्रीन के सामने बैठकर ये गेम शो देखना है, और जैसे जैसे मैं कहती रहूंगी वैसे वैसे करना है। यानी कि भाई आपको बताऊंगी कि आपने किस तरीके से जो है वो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है। तो जनाब अभी स्टार्ट करते हैं आज की कुरानदाजी जिसका इंतजार मैं ये तो नहीं कहूंगी कि 7 मुल्कों के लोग कर रहे होते हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि इस गेम शो का इंतजार वो जरूर कर रहे होते हैं जिन्होंने kohinoor.tv की वेबसाइट पर 6 हिंसों का नंबर बताया है। तो अब करेंगे क्या करेंगे, ये कि सिफर से स्टार्ट करेंगे, और मैं हमेशा क्या कहती हूँ कि जो सिफर से स्टार्ट करते हैं वो कभी नहीं हारते, यानी जीरो के बाद ही इंसान बनता है हीरो। तो ये जीरो से हम स्टार्ट करेंगे, जीरो से लेके 9 तक के हमारे पास कूपन्स होंगे, और ये 9 तक के हमारे पास जो कूपन्स होंगे ये 1 by 1 हम अपने इस मैजिक बॉक्स में एंटर करते जाएंगे। इसको मैजिक बॉक्स इसलिए कहती हूँ, कोई जादुई बॉक्स नहीं है, कोई इसके अंदर जादू नहीं हो जाता, लेकिन इसे मैजिक बॉक्स इसलिए कहती हूँ कि जब इसके अंदर कूपन्स जाते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि कौन सा कूपन निकल आएगा। तो जनाब स्टार्ट करते हैं आज की कुरानदाजी, आपने गौर से देखनी है, एक एक कूपन आपको दिखा के इसमें ऐड करूंगी और एक एक कूपन आपको दिखा के इसमें से निकालूंगी, ये भी मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो चलिए, ताकि आपको पता हो कि प्योर कुरानदाजी है, मैं कुछ नहीं कर सकती अपने पास से, जीरो से स्टार्ट करेंगे जी। ये देखिए जीरो का कूपन हमने फोल्ड किया और ये कुरानदाजी का आगाज कर दिया। जीरो के ही हम 6 कूपन लेंगे, यानी हर नंबर के 6 कूपन, 0 से 9 तक के 6 कूपन, टोटल हो जाएंगे 60 कूपन। जीरो का दूसरा कूपन हमारे पास है और ये हमने इसको भी ऐड कर दिया है, और उसके बाद जीरो का हम तीसरा कूपन लेंगे। ये देखिए जी, जीरो का कूपन नंबर 3 और ये हमने इसमें ऐड कर दिया।
क्या कहती हूँ मैं, जीरो के बाद ही इंसान बनता है हीरो। ये है हमारे पास जीरो का चौथा कूपन और ये हमने इसमें ऐड किया। ये हमारे पास जीरो का चौथा कूपन और जीरो का पांचवा कूपन किधर है? अच्छा, का सारे कूपन अंदर जाके कुछ खुल भी जाते हैं, हम फिर उन्हें साथ साथ जो है वो बंद भी करते रहते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं पहले, तो ये जो है वो पांच कूपन हो गए हैं इसमें और एक कूपन और ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? छह कूपन हो जाएंगे। ये देखिए, ये कूपन नंबर सिक्स हमने इसमें ऐड कर दिया है। जीरो के बाद बारी आती है किसकी, बताएं किसकी बारी आती है? वन की बारी आती है भाई। यहाँ लोग जीरो को सोचते ही कुछ नहीं, सिर्फ वन पे आ जाते हैं डायरेक्ट, कहते हैं जी हम नंबर वन है। ये देखें जी, ये है नंबर वन और ये नंबर वन को हमने जो है वो ऐसे फोल्ड किया और कूपन नंबर वन इसमें ऐड कर दिया। अब आएंगे नंबर वन यानी कूपन नंबर टू की तरफ, लेकिन होगा नंबर वन। तो वैसे नंबर वन सबको ही बड़ा पसंद होता है, हर बंदा कहता है कि मुझे नंबर वन कहो, लेकिन कहने की क्या जरूरत है, नंबर वन बन के दिखाना चाहिए। तो ये है जनाब तीसरा कूपन नंबर वन का। अच्छा, नंबर वन जिन लोगों का लकी नंबर होता है ना, वो लोग इंतहाई गुस्से वाले और इंतहाई जो है वो बेबाक लोग होते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, ये जी नंबर वन का चौथा कूपन हमारे पास है, ये लीजिए, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम नंबर वन का पांचवा कूपन आपको ऐड करके दिखाएंगे कि ये देखिए जी हमने इसमें ऐड कर दिया, हमारे बॉक्स में से जाके गुम हो गया ये। और ये है जी छठा कूपन नंबर वन का, ये लें जी, ये इसमें हमने ऐड कर दिया। नंबर वन हो गया खत्म, बारी आई है नंबर टू की। पाकिस्तान में नंबर टू को बहुत पसंद किया जाता है भाई, जिधर देखें वहां पर दो नंबरी हो रही है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। क्या करेंगे आप, कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ इसको बर्दाश्त करेंगे नंबर टू को। और लेकिन नंबर टू बहुत बड़ी पावर होती है, एक बंदा अकेला कुछ नहीं कर सकता जो दो लोग मिलके करते हैं। और इसीलिए जो है ये नंबर टू जो है वो मैं इसको कभी नंबर दो नहीं कहती, सिर्फ टू ही कहती हूँ। तो नंबर टू का दूसरा कूपन हमारे पास है और ये हमने इसमें ऐड कर दिया। ये है जी नंबर टू का तीसरा कूपन। तीसरे कूपन के बाद हम नंबर टू का चौथा कूपन जो है वो इसमें ऐड करेंगे और ये हमने इसमें चौथा कूपन ऐड कर दिया। अब हम इसमें पांचवा कूपन ऐड करेंगे, ये देखिएगा नंबर फाइव कूपन हो गया नंबर टू का, और नंबर टू का ही सिक्स कूपन, ये है जी नंबर टू का सिक्स कूपन और ये भी इसमें ऐड हो गया। चलो जी बारी आ गई नंबर थ्री की। ये होते हैं नंबर थ्री, दो के दरमियान में एक तीसरे का आ जाना, इंसान की जिंदगी को तकलीफ देना, फिर उसके बाद सैड सॉन्ग सुनना और अजीब सी सिचुएशन कर लेना, अपने आप को पागल छागल कर लेना, इस तरह की सिचुएशन हो जाती है जी लोगों के साथ नंबर थ्री। लेकिन नंबर थ्री जिनका एक्टिव नंबर होता है, जिनका लकी नंबर होता है, वो लोग जिंदगी की मुश्किलों से बड़ी आसानी से गुजर जाते हैं और उनकी लाइफ में मुश्किलें काफ़ी आती हैं, बट वो कोई ना कोई उनकी हेल्प के लिए एक तीसरा बंदा मौजूद होता है, एक तीसरी ताकत मौजूद होती है। ये है नंबर थ्री और नंबर थ्री का दूसरा कूपन इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक हो गया जी, और ये हमारे पास जो है वो नंबर थ्री का तीसरा कूपन यहाँ पे मौजूद है। ये नंबर टू और नंबर थ्री वालों की जो क्वालिटीज़ हैं वो भी मैंने आपको बता दी। अब जिन जिन का नंबर जो है वो ये एक्टिव होंगे, यदि आपके लकी नंबर होंगे तो आपको पता होगा। ये है जी नंबर फोर कूपन और ये हमने थ्री को जो है वो इसमें ऐड कर दिया। चौथा कूपन नंबर थ्री का और पांचवा कूपन पिक करेंगे नंबर थ्री का। ये है जी पांचवा कूपन नंबर थ्री का, ठीक है। छह कूपन ऐड करेंगे तो जाहिर है कि कूपन नंबर थ्री जो है वो हम यहाँ से पिक करेंगे और अपने बॉक्स में ड्रॉप कर देंगे। पिक एंड ड्रॉप का काम शुरू हो गया मेरा। ये देखें नाजरीन, ये मैंने जो है वो छः इसमें ऐड कर दिए हैं नंबर थ्री के। अब नंबर फोर की बारी आती है। ओहो हो, गिरना जाना भाई। नंबर फोर, ये देखें जी, ये है नंबर फोर। नंबर फोर का पहला कूपन हमारे पास है और नंबर फोर बड़ा ही कमाल नंबर है, इसको भी फैमिली नंबर कंसीडर किया जाता है, लेकिन चौके की बात ही कुछ और है। लास्ट बॉल पे जब क्रिकेट के मैदान में लगता है ना छक्का मैं और चौका, फिर मज़ा आता है। ये है फोर और फोर को जो है हमने कूपन नंबर टू को इसमें ऐड कर दिया। ये देखें, ये अब हम फोर का ही कूपन नंबर थ्री लेंगे। ये है जी कूपन नंबर थ्री, लेकिन होगा नंबर फोर। यस, क्योंकि हमें गिनती सही रखनी है अपनी। और ये है जी फोर और कूपन नंबर भी फोर, तो ये हमने इसमें ऐड कर दिया। फोर का फोर और कूपन नंबर फाइव होगा, लेकिन नंबर क्या होगा? फोर। ये देखिए, अब हम सिक्स कूपन यानी कि एक लास्ट कूपन नंबर फोर का पिक करेंगे और इसमें अपने बॉक्स में इसको ड्रॉप कर देंगे।
छह कूपन हम इसी तरह जो है वो कंप्लीट करते जाएंगे। फाइव की बारी आ गई है। नंबर फाइव, हमेशा से इसको मैं कहती हूँ क्या पंच नंबर है, पंचतनी नंबर है ये नंबर फाइव। इसकी कमाल कैपेसिटी है, ये लोग बड़े ही डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं, बहुत कम लोगों से इनकी बनती है नंबर फाइव वाले, लेकिन जब भी किसी को दुआ दे दें तो वो दुआ कभी रद्द नहीं होती है। और ये नंबर फाइव जो है वो जो है दूसरा कूपन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। एक और इनकी बड़ी क्वालिटी होती है कि ये थोड़े से सूफियाना तर्ज के लोग होते हैं, इनका ज़रा उठना बैठना ज़्यादातर अच्छे बड़े जो है वो सूफी लोगों के साथ होता है। तो ये तीन कूपन जो कूपन नंबर थ्री है, नंबर फाइव वाला आप जो बंदा भी देख लें उसके अंदर आपको ये कैपेसिटी और ये क्वालिटी नजर आएगी। ये तीन कूपन हमने नंबर फाइव के ऐड कर दिए हैं और ये है जी नंबर फाइव का कूपन नंबर फोर। बहुत सारे लोग जो टेलीविजन स्क्रीन के सामने इस टाइम बैठे होंगे वो सोच रहे होंगे और बता रहे होंगे कि वाकई यार मेरा नंबर फाइव है तो मेरे साथ ऐसे ही है। अच्छा जी, नंबर फाइव का हमने चार कूपन ऐड कर दिए, ये पांचवा कूपन हमारे पास है ये देखिएगा, और ये हमने इसमें ऐड कर दिया। अब कूपन नंबर फाइव का छठा कूपन हम पिक करेंगे और ये भी इसमें ड्रॉप कर देंगे। चलिए जी, छह कूपन कंप्लीट हो गए। अब छह कूपन इसके फिफ्थ के तो कंप्लीट हो गए, लेकिन सिक्स की बारी आ गई है। नंबर सिक्स का हम कूपन नंबर वन ऐड करने जा रहे हैं। ये इसको कहते हैं हम छक्का, यानी कि छक्का लगा दिया भाई। ये भी आप क्रिकेट में ही आपको चौका छक्का मिलता है। तो ये सिक्सर आप कभी अपनी लाइफ में भी सिक्सर कर देते हो, कभी कभी ऐसे काम हो जाते हैं जो खुद भी नहीं सोचा होता और वो छक्का लग जाता है लाइफ में, ये वो वाला छक्का है। तो दो जो है कूपन इसमें ऐड कर दिए हैं और ये तीसरा कूपन है हमारे पास नंबर सिक्स का। अच्छा, छः वाले भी बड़े कमाल लोग होते हैं। छः वैसे मीडिया का नंबर भी है, मीडिया का भी जो है वो नंबर छः ही है और लकी नंबर है। और ये तीसरा हमारे पास जो है वो कूपन है नंबर सिक्स का, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम कूपन नंबर फोर ऐड करेंगे नंबर सिक्स का, ये देखिएगा। तो इस टाइम सिक्स वाले जो है ना आगे तीन साल उनके बड़े अच्छे सेटअप में जो है वो गुजर जाएंगे, लेकिन मुश्किलात आती रहेंगी। और ये नंबर सिक्स जो है वो हमारे पास चौथा कूपन है, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। अब नंबर सिक्स का पांचवा कूपन हमारे पास है यहाँ पर और ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया। नंबर सिक्स वालों पे मुश्किलात बहुत आती हैं भाई, और ये नंबर सिक्स, लेकिन ये है कि ये लोग निकल जाते हैं बड़ी आसानी से, सदका बहुत इन्हें देना पड़ता है। ये छः का छः ही कूपन नंबर है तो हमने इसको जो है वो ऐड कर दिया है। सात की बारी आ गई है, नंबर सेवन हमेशा से मेरा फेवरेट नंबर है, मिस्टीरियस नंबर है, पूरी कायनात नंबर सेवन पे बनी है। सात नंबर, सात जमीन, सात आसमान, रेनबो के कलर्स भी सेवन, सात सुर और सात समंदर, ये सारी चीजें साथ साथ है। और एक हमने जो है वो सेवन को इसमें ऐड कर दिया और ये जो है वो दूसरे सेवन नंबर का जो है वो कूपन है। अच्छा, सेवन नंबर जिनका लकी नंबर होता है ना वो लोग बहुत कामयाब तरीन लोग उनको कंसीडर किया जाता है बिजनेस में। ये बिजनेसमैन होते हैं अक्सर, बिजनेसमैन का नंबर वन और नंबर सेवन और नंबर नाइन, ये तीन नंबर जो है इनके लकी नंबर्स होते हैं जब आप किसी टॉप बिजनेसमैन को देखते हैं। ये आप इस पर रिसर्च भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये दूसरा जो है वो हमने नंबर सेवन का इसमें ऐड कर दिया और ये हमारे पास तीसरा नंबर सेवन का कूपन मौजूद है। तो अगर आपका वाकई नाम के साथ लकी नंबर जो है वो सेवन बनता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप कोई बिजनेस कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा और चौथा सेवन, नंबर सेवन जो है उसका चौथा कूपन हमारे पास है यहाँ पे और हम इसको ऐड कर देते हैं चौथा, और ये है पांचवा कूपन। इसके भी पीछे पूरी तारीख है नंबर सेवन की, मैं आपको बताऊं ये आज तक कोई जो है वो जान नहीं सका। ये हमने पांचवा कूपन ऐड किया और ये हमारे पास छठा कूपन नंबर सेवन का आ गया, ठीक है जी, ये हमने ऐड कर दिया। इसकी तारीख इस तरह की है कि जब आप कोई जो है वो लेन देन करते हैं, कोई चीज़ जो है वो क्रिएट करते हैं नंबर सेवन से, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो बड़ा कमाल आपको जो है वो फ़ायदा देता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी जब ये कायनात बनाई है तो चीज़ें बना के दिखाई हैं ना उनको जो है वो, अब वो सेवन की क्या हिकमत है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। नंबर एट जो है इसका पहला कूपन हमारे पास है। नंबर एट को मैं हमेशा से कहती हूँ फैमिली नंबर है। ये लोग जिनका भी ये लकी नंबर होगा वो अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा जुड़े होंगे। दुनिया की कोई चीज़ उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगी, बट उनके लिए अपनी फैमिली इंपॉर्टेंट होगी। अच्छे लोग होते हैं एट नंबर वाले, और ये जो है वो दूसरा कूपन हमने नंबर एट का ऐड कर दिया। अब हम जो है वो तीसरा कूपन इसमें ऐड करेंगे जो कि नंबर एट का ही है, ये देखिए, ये जो है ना वो तीसरा कूपन है और चौथा कूपन है नंबर एट का हमारे पास ये वाला, ये देखिएगा, ये चौथा कूपन है और अब एक आधा कूपन खुल भी गया अंदर। चौथा और पांचवा कूपन जो है वो नंबर एट का ये है हमारे पास, ये देखिएगा, पांचवा और छठा।
ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, मेरे लिए भी हैक्टिक होता है बिकॉज इसमें एक एक कूपन आपको जो दिखा के ऐड करना होता है। हम इसको डिजिटल सिस्टम में भी ला सकते हैं यहाँ पे, लेकिन क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से हम जो है वो नहीं करते। हमने 6 कूपन जो है वो नंबर 8 के ऐड कर दिए हैं। नंबर 9 की बारी आ गई है, ठीक है जी। नंबर 9 का पहला कूपन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। 9 तक ही हमने जो है वो इसमें ऐड करने हैं कूपन, लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक एक चीज आपको जो है वो ऐड करके, कहते हैं मेहनत में बरकत है, तो ये जी बरकत हो रही है। ये दूसरा कूपन जो है वो हमने इसमें नंबर 9 का ऐड कर दिया है। उसके बाद जी नंबर 9 का तीसरा कूपन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, और ये जो है बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे, इतने लोग जो है वो मेरे इस गेम शो के बारे में, मैं कभी आप लोगों के साथ ना स्क्रीनशॉट्स भी जो है वो शेयर करूंगी, और वो बड़ी बड़ी मशवरे दे रहे होते हैं कि जी आप इसको डिजिटल क्यों नहीं करते, आप इस तरह से, तो मैं आपको इसीलिए साथ साथ जवाब दे देती हूँ। ये चौथा कूपन है हमारे पास नंबर 9 का, कि इसलिए नहीं करते कि हमारा एक पूरा प्रोसेस है, हम अपने प्रोसेस के हिसाब से चलते हैं। और ये पांचवा जो है वो हमारे पास नंबर 9 का कूपन है, क्योंकि लोगों को मेरी बड़ी फिक्र होती है ना कि यार पता नहीं बड़ी मेहनत हो रही है तो फलाना ये वो, तो बहुत प्यार करने वाले लोग भी शामिल हैं, तो इस वजह से जो है वो नंबर 6 जो है वो नंबर 9 का कूपन हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। और तमाम तर नंबर्स हमने इसमें ऐड कर दिए हैं, 2-4 जो कूपन खुल गए हैं मैं ज़रा वो बंद कर दूँ, क्योंकि ये बेचारे ना बार बार इसमें ऐड होते हैं, तो वो अब उनके अंदर कैपेसिटी ख़त्म हो गई है मज़ीद फोल्ड होने की। ये देखिएगा ये हमने इसमें ऐड कर दिए हैं, और चलें जी ये जी मिक्स हो गए हैं सारे कूपन्स अच्छी तरीके से। इसमें से फिर जो खुल जाएगा वो हम दोबारा से उसको आपके सामने ही बंद कर देंगे। नाइन तक के 6-6 कूपन्स इसमें ऐड हैं। अब बकायदा तौर पे कुरानदाजी का आगाज करते हैं, चलो घूम जाओ। यस घूम गया है, जैसे मैं कहती हूँ वैसे ही कर लेते हैं, ये चीजें वीजे भी मेरी बड़ी बात मानती हैं, क्या करूं मैं। तो ये जनाब अभी मैं ऐसे कूपन नंबर 1 निकालूंगी जो आपका पहला इनाम होगा। पहले इनाम का पहला नंबर क्या निकलता है, लेट्स सी। मुझे तो नहीं पता, अब ये तो अल्लाह ही जाने कि आज का जो है वो कौन सा ऐसा नंबर है। ये मैंने मिक्स कर लिया है हाथ से भी कि इसको जो है वो किस नंबर से देखते हैं कौन सा लकी नंबर है जिससे स्टार्ट होती है आज की कुरानदाजी। नंबर थ्री मुझे बहुत फजूल नंबर लगता है ये। नंबर 3 से स्टार्ट हो गया है हमारा पहला इनाम, लेकिन आपकी कुरानदाजी किसी भी नंबर से स्टार्ट हो सकती है, इसलिए kohinoor.tv की वेबसाइट पे जिन्होंने 600 का नंबर बताना है वो पहला नंबर जो है वो कोई भी दे सकते हैं उनकी मर्जी के मुताबिक। दूसरा कूपन निकाल रहे हैं कुरानदाजी, पहला इनाम दिल थाम के बैठे, 3 आ चुका है, देखते हैं दूसरा कूपन कौन सा आता है। ओके जी बंद हो जाओ, ये बंद हो गया है, 3 आ गया है। अच्छा मेरी एक आदत समझ लें, या मेरे हाथों से जो भी कूपन निकलते हैं वो आगे पीछे जो है ना वो छोटे सीक्वेंस या बड़े सीक्वेंस की तरफ जा रहे होते हैं। ये देखे ना 3 के बाद 4 आ गया है, ये है जी नंबर 4 दूसरा कूपन और पहला इनाम। 3 के बाद 4 ही आता है, तो इसलिए ये 4 आ गया है। अभी देखते हैं कि हमारे पास तीसरा कूपन क्या निकलता है पहले इनाम का। ओके रुक जाओ, अब देखते हैं कि हमारे पास तीसरा कूपन कौन सा निकलता है। चलो बंद हो जाओ भाई, चलो लॉक हो जाओ। अब है तीसरा कूपन कौन सा हमारे पास, अरे मैं का कोई आगे पीछे हो जाए ना गया, इतने सारे नंबर्स जो हैं वो 3-4 आ गया है, तो पहले वैसे 2 आना चाहिए था, लेकिन ये 2 तीसरे नंबर पर आ गया है। अब हमारे पास 3 कूपन निकल चुके हैं, 3, 4 and 2। ये देखिए जी 342 आ गया है, और उसके बाद अभी चौथा कूपन बाकी है, 5 और 6 भी बाकी है। 6 कूपन कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 600 का नंबर आपने kohinoor.tv की वेबसाइट पे बताना है, और ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड का बटन दबा के इस गेम शो का हिस्सा बन जाना है, जिसका नाम है देखो और जीतो। और आप ये देखेंगे गेम शो मेरे साथ यानी डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। तो 3, 4, 2 और 4, 2 के बाद क्या आ गया, 5। देखें मैं बड़ा ध्यान रखती हूँ कि किसी के साथ ना इंसाफी ना हो, नंबर्स के साथ भी ना इंसाफी ना हो, देखें नंबर्स भी आगे पीछे आ जाते हैं। 3, 4, 2 and 5 हमारे पास चौथा कूपन आ गया है नंबर 5 का। उसके बाद कूपन नंबर कौन सा निकालेंगे, 5 यानी के 5 कूपन नंबर 5 निकालेंगे। घूम जाओ, लेट्स सी हमारे पास कौन सा आता है नंबर, कुछ पता नहीं होता क्योंकि इतने ब्लैंक पेपर्स हैं कि वो पीछे से बिल्कुल पता नहीं चल रहा होता ना इसके बैक साइड से कि कौन सा नंबर आएगा भाई।
चले खोले 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 खोले। अरे आप सबका फेवरेट नंबर है, आप सब इस नंबर तक पहुंचने के लिए बड़ी कोशिश कर रहे हैं। सब लोग अपनी जिंदगी में किसी ना किसी जगह पर बिजनेस में, अपनी स्टडीज में, अपने जो है वो काम में, दूसरों से आगे बढ़ने के लिए सिर्फ बनना चाहते हैं नंबर वन। और आज का है ये पांचवा कूपन और पहले इनाम चल रहा है। ठीक हो गया जी, 3, 4, 2, 5 एंड 1। ये देखिए जी, 1 हमने यहाँ पे डिस्प्ले दे दिया। छठा और आखिरी कूपन निकालेंगे, पहला इनाम कंप्लीट हो जाएगा। दिल थाम के बैठे जिनका अभी तक नंबर बिल्कुल ठीक आ रहा है वो तो खुश हो रहे होंगे, लेकिन जो एक आध नंबर से भी रह जाएंगे उनका क्या होगा, देखते हैं आखिरी कूपन पहले इनाम का क्या निकलता है। बता दूं, देख लें। अरे इसको देख के मेरा मूड खराब हो जाता है, लेकिन ये नंबर है बड़ा कीमती क्योंकि यह है 3 और ये है आखिरी नंबर पहले इनाम का। 3 से शुरू हुआ, 3 पे खत्म हुआ आज का ये पहला इनाम, 3, 4, 2, 5, 1, 3। ये जी कंप्लीट हो गया आज का पहला इनाम। तालियां मैं बजा सकती हूं आपके लिए क्योंकि आप वहां इस पार बैठे हैं टेलीविजन पे और मैं यहाँ इस पार कैमरे के सामने हूँ। मुझे नहीं पता कौन कौन कहाँ कहाँ से ये टेलीविजन प्रोग्राम जो है वो देखा जा रहा है और आप कहाँ कहाँ से ये सब देख रहे हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि जो जीत गए हैं वो इस टाइम लाजमी खुश होंगे। 3, 4, 2, 5, 1, 3 जीतने वाले खुशनसीब को बहुत बहुत मुबारक हो। अब ये नंबर्स जो हैं वो हमारे बॉक्स में से कम हो गए हैं, हम यहाँ से पिक करके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। तो पहले 3, 4 की बारी आती है। ये जी 3 आपको दिखा देते हैं और ये हमने 3 इसमें जो है वो ऐड कर दिया। अब नंबर 4 की बारी आएगी, तो नंबर 4 ये देखिए, ये है नंबर 4, ये भी हमने इसमें जो है वो ऐड कर दिया। अब 2, 5 की बारी आएगी, किधर गया 2, ये देखें जी ये है 2 और उसके बाद जो है वो 5। आप यकीन करें वाहिद ऐसा गेम शो जिसमें मैं चाय भी नहीं पी सकती, आप यकीन करें इस बात का, ये मेरे पर जुल्म है जुल्म। और क्योंकि मैं चाय भी नहीं पी सकती, मैं चाय पीऊंगी तो मैं बोल नहीं सकती, बोलूंगी नहीं तो फिर ये ड्रैग हो जाएगा प्रोग्राम। और ये नंबर 1 है, तो नंबर 1 के बाद जो है वो नंबर 3 की बारी आएगी और इसमें जो है ना वो हम नंबर 3 को इसमें मुझे जो है चाय शाय प्रोग्राम के बाद देते हैं, पहले नहीं देते। ये देखें ये है नंबर 3, ये हम जो है वो एंड में इसको जो है वो ऐड कर देंगे क्योंकि आपके पास ये सारे नंबर्स कंप्लीट हो गए। दूसरा इनाम निकाल रहे हैं, दूसरे नाम के लिए जरा तैयारी पकड़ ले, देखते हैं कि कौन खुश नसीब है जिनका आज दूसरे नाम से कौन से नंबर से स्टार्ट होता है। लेट्स सी, पहला कूपन लेकिन इनाम है दूसरा, सेकंड प्राइज 4 से स्टार्ट हो गया है, चौका लग गया है जनाब यहाँ पे और 4 से स्टार्ट हुआ है आज का दूसरा इनाम। पहला कूपन निकल चुका है, दूसरे कूपन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेट्स सी कि दूसरा कूपन हमारे पास कौन सा आता है। ओके चेक दूसरा कूपन, अरे 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 हमारे हाथ से गिर गया है कूपन और ये 4 के बाद जो है वो आ गया है नंबर 2। ये आ गया है जी 2, 4, 2। इसके बाद आ गया है तीसरा कूपन, लेट्स सी कि तीसरा कूपन कौन सा निकलता है। तीसरा कूपन आ गया है हमारे पास कौन सा, नंबर 7। ऑल टाइम माय फेवरेट नंबर इज नंबर 7, 4, 2, 7। 3 कूपन आपके सामने, दूसरा इनाम, चौथा कूपन निकालने जा रहे हैं। ओके चेक करते हैं चौथा कूपन कौन सा निकलता है भाई, देखते हैं कौन सा आता है हमारे पास चौथा कूपन। आ गया है जी चौथा कूपन नंबर 2 का, ये देखिए और ये हमने यहाँ डिस्प्ले कर दिया 4, 2, 7 एंड 2, ये यहाँ पर फिक्स हो गया। उसके बाद आएगा पांचवा कूपन, लेकिन कूपन और पांचवा कूपन जो है वो हमारे पास कौन सा आएगा मुझे नहीं पता, ये तो जब मैं इसको ओपन करूंगी तभी पता चलेगा कि कौन सा कूपन आया है। अरे दूसरा इनाम, पांचवा कूपन, नंबर भी है 5 यानी के 5 और ये हमने यहाँ डिस्प्ले कर दिया 4, 2, 7, 2, 5। ये आ गया पांचवा कूपन। अभी तक जिनका सेकंड इनाम भी जा रहा है सही वो बड़े होंगे खुश, लेकिन अभी आखिरी नंबर बाकी है, एक नंबर से भी इंसान रह सकता है, इसलिए ज्यादा आपने दुआ करनी है और आपने ये सोचना है कि अल्लाह करे आपका ही ये इनाम जो है वो निकल आए। तो देख लेते हैं कि ये हम कौन सा इनाम कंप्लीट होता है, 4, 2, 7, 2, 5 एंड अरे वाह
7 पे ही आज का दूसरा इनाम लॉक होता है, नंबर 7 और 427257 ये आ गया जी 7 और ये हमने यहां डिस्प्ले कर दिया। तीसरा इनाम कौन सा नाम निकालेंगे? तीसरा, लेकिन दूसरा नाम जो निकल आया है इसके कूपन्स हमारे बॉक्स में से कम हो गए हैं, जो हम इसमें वन बाय वन आपको दिखा के ऐड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 42 से। 42 किधर है? ये रहा 4, ये देखिएगा, ये हमने इसमें ऐड कर दिया 4, और उसके बाद बारी आएगी 2 की, तो 2 ये रहा जी नंबर 2, और ये हमने इसमें ऐड कर दिया नंबर 2। उसके बाद 72 की बारी आएगी, तो ये रहा नंबर 7, और फिर हम जो है वो नंबर 2 ऐड करेंगे। 60 कूपन कंप्लीट जब तक नहीं होंगे अगली कुरानदाजी नहीं कर सकते हैं, और वही नंबर्स ऐड करेंगे जो हमारे पास बॉक्स में से कम हो गए हैं। तो 5 के बाद हमारे पास ये आ गया 5, ये देखिएगा, और उसके बाद क्या आता है जी? 7 आता है। तो ये हमने जो है वो 7 को यहाँ से लिया और आपको दिखाया, और इसमें हमने बॉक्स में ऐड कर दिया। हो गए 2 इनाम कंप्लीट, मुबारक हो आपको जिन्होंने जीते हैं। तीसरी कुरानदाजी करने जा रही हूं, तीसरा इनाम निकालूंगी आपके सामने, देखते हैं पहला कूपन किसका आता है। ओके चले, पहला कूपन जो है वो निकालते हैं और देखते हैं कि किसका इनाम निकला है। तीसरा इनाम नंबर 7 से स्टार्ट होता है हमारा तीसरा इनाम, ये देखिए नंबर 7, पहला इनाम, दूसरा इनाम निकल चुका है, तीसरा इनाम हमारे पास है, और तीसरे इनाम के लिए हमने कुरानदाजी के लिए कूपन्स निकाल रहे हैं। 7 आ चुका है पहला कूपन, और दूसरा देखते हैं कि कौन सा आता है, और ये दूसरा कूपन जो है हमारे पास आता है जनाब, ओपन हो जाए, नंबर 2 यानी 72 आ गया है दूसरा कूपन, और ये है जी तीसरा इनाम, ये 72। उसके बाद हम जो है वो तीसरा कूपन यहां से निकालेंगे, और ये भी होगा हमारे पास कौन सा भाई, ये होगा हमारे पास 72, तीसरा इनाम 72, अगेन 2 यानी 722 हो गया तीसरा कूपन, ये लीजिए 722, ये हमारे पास आ गया 722, और ये हमारे पास तीसरा कूपन है। चौथा कूपन निकाल लेंगे, चौथा कूपन लेकिन इनाम होगा तीसरा, और चौथा कूपन क्या निकलेगा? 3 आ गया है जी नंबर 3, चौथा कूपन है हमारे पास, ये 7223, ये लीजिए, ये हमने यहाँ डिस्प्ले किया और हो गया हमारा 4 कूपन कंप्लीट। पांचवा कूपन निकालते हैं और देखते हैं कि पांचवा कूपन हमारे पास कौन सा आता है, ये है पांचवा कूपन, कूपन नंबर 5, 9 आ गया है जी, जोर टूट गया है 4532 का, और 9 आ गया हमारे पास 72239, ये है पांचवा कूपन नंबर 9 का, तीसरा इनाम चल रहा है, और आखिरी कूपन हम निकालेंगे, इसके बाद फैसला हो जाता है कि आज का ये तीसरा इनाम किस नंबर को जा रहा है। और ये kohinoor.tv की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे 600 का नंबर बताएंगे, तो फिर आप ऑटोमेटिकली हर महीने की 10, 20 और 30 तारीख को शामिल हो जाएंगे कोहिनूर न्यूज के प्रोग्राम गेम शो देखो और जीतो में, और साथ ही आप कुरानदाजी में शामिल हो जाएंगे अगर 600 का नंबर बताएंगे तब। 7 पे कंप्लीट होता है आज का तीसरा इनाम, मुबारक हो जिन्होंने जीता है आज का इनाम, 7 से ही शुरू हुआ है तीसरा इनाम और 7 पे ही खत्म हुआ है। तो ये देखिएगा 722397 आ गया है पूरा इनाम आपके सामने, 3 इनाम कंप्लीट हो चुके हैं, इस वक्त स्क्रीन पर भी आप अपने ये नंबर्स देख सकते हैं। जीतने वाले खुश नसीबों को बहुत बहुत मुबारकबाद। 722 की बात आई है तो फिर 7 यहां से ऐड करते हैं, आपको दिखाते हैं बॉक्स में से ये नंबर कम हो गए हैं तो हम इसमें ऐड कर देंगे, ये जी 7 हो गया और 7 हमने इसमें ऐड कर दिया। फिर हम जो है वो 22 यानी कि 12 और फिर सेकेंड कूपन 2 का, ये है जी 2 और सेकेंड कूपन भी हम इसमें से पिक करेंगे बट 1 by 1, और ये हमने इसमें से ये ऐड आपके सामने जो है वो ये कर लिया है नंबर 2 और ये इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे? 39 की बारी आती है तो नंबर 3 जो है वो हमारे पास ये है जी नंबर 3, और फिर क्या होता है कि हमारे पास नंबर 9 की बारी आती है, ये है जी नंबर 9, नहीं ये नंबर 9 नहीं है, ये नंबर 9 है, ये है जी नंबर 9, और ये ऊपर 9 लिखा हुआ है नीचे 9 लिखा हुआ है, असल में 6 और 9 मिक्स हो जाते हैं ना, इसीलिए हमने जो है वो ये नंबर्स के ऊपर लिखा हुआ भी है ताकि हमें खुद भी पता चल जाए।
और सेवन, ये है जी नंबर सेवन, जो कि आज का हमारे तीसरे नाम का लास्ट कूपन ड्रॉ निकला है, ठीक है, ये नंबर सेवन हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने चौथा और आखिरी नाम निकालना है, तो अभी भी एक नाम बाकी है जिनका अभी तक कोई नंबर नहीं निकला, वो जरा दिल थाम के बैठ जाएं और देखें कि चौथा इनाम क्या निकलता है। चलें जी, मिक्स हो गया, अब हम जो है वो पहला कूपन निकालेंगे चौथे इनाम का। लेट्स सी, ओ ओ ओ, खुरानदाजी नंबर नाइन से शुरू होता है हमारा चौथा और आखिरी इनाम नंबर नाइन, ये देखिएगा। अभी जाइए kohinoor.tv की वेबसाइट पे, 600 का नंबर बताइए और ऑटोमेटिकली इस गेम शो का हिस्सा बन जाएं। फिर हर महीने की 10, 20 और 30 तारीख को आपकी मुलाकात होगी दोपहर 2 बजे लाइव मेरे साथ, और मैं बांटूंगी आपको कोहिनूर न्यूज की तरफ से शानदार ग्रैंड प्राइजेस। और अगर आप बड़ी प्राइजेस जीतना चाहते हैं ना, बड़े वाले ग्रैंड टू ग्रैंड, फिर उसके बाद लिए आपको इस तरह से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा kohinoor.tv की वेबसाइट पर। चौथा नाम चल रहा है नाइन और उसके बाद आ गया है थ्री। थ्री का कोई खास ही चक्कर है भाई आज, जो है नाइन और उसके बाद जो है वो ये थ्री आ गया है, ये लीजिए, हर जगह ही थ्री आया है। और ये दूसरा कूपन हमारे पास आ गया, तीसरा कूपन जो है वो हम निकालेंगे, कूपन नंबर थ्री, देखते हैं, लेट्स सी कौन सा निकलता है। चौथा और आखिरी नाम चल रहा है, छक्का लग गया है, नंबर सिक्स आ गया है हमारे पास तीसरा कूपन, और है ये जी चौथा इनाम। ओके, नाइन थ्री एंड सिक्स, सिक्स के बाद क्या आएगा मुझे नहीं पता क्या आएगा, चौथा कूपन निकालेंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या आएगा। ओके, तो चौथा कूपन निकालते हैं, और चौथा कूपन क्या है, नंबर वन है जी चौथा कूपन आज का, और ये चौथा ही इनाम चल रहा है, आखिरी इनाम है। वैसे हम तीन इनाम भी रख सकते थे, लेकिन क्योंकि हमने सोचा है कोई बात नहीं, आपको जरा ज्यादा प्राइजेस मिलने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें इस गेम शो में, ज्यादा लोगों को जीतने के मौके मिलें, तो इसी वजह से हमने इस गेम शो को आपके लिए तरतीब दिया। 9361 एंड अगेन क्या है जी, चार और पांचवा कूपन हम निकाल रहे हैं, चौथा और आखिरी इनाम है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास पांचवा कूपन नंबर सेवन का और चौथे इनाम का, ठीक है जी, ये नंबर सेवन आ गया, 9361 7। अब हम क्या करेंगे, आखिरी कूपन, कुरानदाजी खत्म हो जाएगी इस कूपन के बाद, चारों लकी विनर नंबर्स कंप्लीट हो जाएंगे इस लकी नंबर के बाद, और होगा ये कौन सा नंबर जिस पे लॉक होता है आज का चौथा और आखिरी इनाम। वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वैसे भी छक्का लगा दूं, लेकिन क्योंकि आज कुरानदाजी है और कोशिश यही थी, तो लास्ट में छक्का रह लगे तो मजा नहीं आता। नंबर सिक्स पे लॉक होता है आज का चौथा और आखिरी इनाम, 9361 7 6, ये लीजिए, और ये हो गए हमारे पास चारों लकी विनर नंबर्स कंप्लीट। ये हो गया जी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इनाम आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर भी, तो और मैं भी आपको बता देती हूं आज के लिए बस इतना ही। अभी मैं आपको बताती हूं कि पहला इनाम जा रहा है जनाब 342513 को, अभी ये पूरी स्क्रीन पर भी आप जो है वो देखेंगे, साथ साथ मैं आपको जो है वो बताती रहूंगी। दूसरा इनाम है 427257 का, तीसरा नाम है 722397 का, और चौथा इनाम है 936176 का। लकी विनर्स को कोहिनूर न्यूज की पूरी टीम की जानिब से बहुत बहुत मुबारका, क्योंकि आपने जो है वो ये इनाम जीते हैं कोहिनूर न्यूज के प्रोग्राम देखो और जीतो से, और ये ग्रैंड प्राइजेस हैं आपके सामने आ रहे हैं। पहला इनाम जा रहा है जी 342513 को, दूसरा इनाम है 427257 का, तीसरा नाम है 722397, और ये चौथा नाम है 936176 का। चारों लकी विनर नंबर्स आपकी स्क्रीन पर, लाइव गेम शो देखो और जीतो से आज जीते हैं चार लकी विनर नंबर्स। पहला नाम 342513, दूसरा नाम 427257, तीसरा नाम 722397, और चौथा इनाम 936176। चारों लकी विनर नंबर्स आपके सामने, पहला इनाम जा रहा है जी 342513 को, दूसरा इनाम है 427257 का, तीसरा इनाम है 722397 का, और चौथा इनाम है 936176 का। चारों लकी विनर नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, देखो और जीतो गेम शो से, और ये आपके वो लकी विनर नंबर्स हैं जो आज कुरानदाजी में निकले हैं। पहला इनाम 342513, दूसरा इनाम 427257,
तीसरा इनाम 722397 और चौथा इनाम 936176। चारों लकी विनर नंबर्स देखो जीतो गेम शो से, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इनाम। पहला इनाम मैं रिपीट कर देती हूँ लास्ट टाइम, पहला नाम जा रहा है 342513 को, दूसरा नाम है 427257 का, तीसरा नाम 722397 का और फोर्थ यानी कि आखिरी नाम है 936176 का। ये हैं चारों लकी विनर नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद। इसी के साथ नाजरीन आज का गेम शो बस इतना ही। जी हाँ, तीन अहम सेगमेंट खत्म हो चुके हैं, कुरानदाजी भी आपके सामने, जीतने वाले खुशनसीबों को मुबारकबाद हमारी तरफ से। अब आप मेरा इंतजार करेंगे। वैसे तो मेरी आपकी मुलाकात कोहिनूर न्यूज पर डेली होती है सुबह 10 बजे, प्रोग्राम पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ में, जिसमें एक आम आदमी की आवाज हम आला हुकाम तक पहुंचाते हैं, तमाम महकमों की बेजाबतगी और कारकर्दगी आपको दिखाते हैं, और ना सिर्फ दिखाते हैं बल्कि उस पर इंप्लीमेंट भी करवाते हैं। जी हाँ, ये अल्लाह का जो है वो करम है कोहिनूर न्यूज़ पे कि हमारी टीम जो है वो मिलके काम करती है। इसी के साथ ये प्रोग्राम में आपकी मेरी मुलाकात होती है हर 10, 20 और 30 तारीख को दोपहर 2 बजे लाइव। ये प्रॉपर आपके सामने जो है वो हम लाइव ये कुरानदाजी कर रहे होते हैं, और अभी कुरानदाजी खत्म हो चुकी है तो मुझे इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, ढेरों ढेर दुआएं चाहिए। इसी के साथ अल्लाह निगेबान।